हेलो, आज हम बात करेंगे फंगल स्टेन की। तो जिस तरह ग्राम स्टेन आता है बैक्टीरिया के लिए, उसी तरह फंगल स्टेन होता है फंगस के लिए। तो ग्राम स्टेन तो हम ग्राम कीट से करते हैं, बट फंगल स्टेन के लिए कोई कीट नहीं आती, उसके लिए आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट होती है, उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं 10% एंड 20%। तो ये वेरी करता है, 10% और 20% डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेसिमेन किस टाइप का है। जैसे अगर स्पूटम आया, यूरिन आया, पस हो गया और मतलब फ्लूड हो गया, ये सारे सैंपल में हम 10% यूज करेंगे। और 20% के लिए जैसे हार्ट सैंपल हो गया, जैसे हेयर हो गया, टिश्यू हो गया एंड नेल हो गया, कई बार नेल वगैरह भी आता है, तो इसमें हम 20% रखेंगे। प्लस इसको हम इंक्यूबेट भी करेंगे 20 to 30 मिनट, ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। तो अब फंगल स्टेन करना कैसे है, तो फंगल स्टेन के लिए पहले आप अच्छे से मार्किंग कर लो, ठीक है? ये बात नहीं है, मार्किंग कर लो आप इसका क्या करना है। उसके बाद आपको, तो अभी हमारे पास सैंपल टाइप है स्पूटम, तो हम 10% केयर्स लेंगे। उसके लिए आपको 50 माइक्रोलीटर 10% केयर्स लेना है, ठीक है? एंड लूप से, लूप को अच्छे से स्टराइल कर लो आप। उसके बाद आपको सैंपल लेना है, लूप से आपको सैंपल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इस पर कवर स्लिप रखनी है, ठीक है? तो ये गया कवर स्लिप, और ये कवर स्लिप। तो हमारा फंगल स्टेन बनके तैयार है। अब ये माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे, तो इसमें बर्डिंग ईस्ट, तो अब ये माइक्रोस्कोप में देखने से आपको बर्निंग ईस्ट सेल दिखेगा और या फंगल हाइफे दिख सकता है, तो इस तरह से पता लगेगा कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी है, ठीक है?